जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन का वो नजरिया हो चुका है इस समय, जो एक समय ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था, यानी कि विस्तार करने वाली नीति, आक्रामक जो विस्तारवादी नीति थी अंग्रेजों की, कि हर देश पर कब्जा करने की चाहत रखते थे। यही आज का इस समय चीन का भी यही हो चुका है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है, क्योंकि चीन की सीमा जितने भी देशों से लगती है उन सभी के साथ उसका सीमा विवाद चल ही रहा है। आप भारत के साथ देख सकते हैं, आप एक बार मैप्स देखते हैं आप लोग, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल पर। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो गया, देखिए ये है आपका चाइना। याद रखिए, तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी, चाइना से हमारी सीमा नहीं लगती थी। लेकिन क्या हुआ कि तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण करके मतलब कब्जा कर लिया एक तरह से, उसके बाद हमारी चीन से भी सीमा लगने लगी। आपके जो विवाद की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ लद्दाख के पास यहाँ भी आपका विवाद चल रहा है। उसके बाद आपने देखा है कि लद्दाख में आपका विवाद जो चल रहा है ये पेकोंग झील लद्दाख के पास ही। उसके बाद आपने देखा था कि सिक्किम के पास नाकुला सेक्टर में, उसके बाद आपने देखा था भूटान के पास डोकलाम में, और जो अरुणाचल प्रदेश है इसे तो पूरा अपना ही बताता रहता है चीन। उसके बाद दक्षिण दक्षिण चीन सागर, यहाँ भी आपने देखा है विवाद चल ही रहा है। हांगकांग देखिए, ताइवान को लेकर देखिए, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे रूस में से भी, यानी कि जितने भी 13-14 देशों से इसकी सीमा लगती है, मंगोलिया से भी, सभी से इसका विवाद चलता आ रहा है अपनी सीमा को लेकर। तो देखते हैं आखिर क्या इसमें कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। अभी आप देख रहे हैं चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी भी हो रही है, और भारत की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग एक, आपने देखा होगा, एक बंदरगाह का निर्माण कर रहे थे, कहाँ, ईरान में चाबहार। तो अब चाइना वहां मतलब अपनी पैठ बढ़ाने लगा, तो ये हमारे लिए चिंता का कारण बन चुका है। इसकी इसमें हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेंगे, रणनीतिक साझेदारी के संभावित जो प्रावधान है दोनों देशों के लिए लाभदायक क्या क्या हो सकते हैं, ईरान के प्रति अमेरिका का क्या नकारात्मक रणनीति रही है, भारत के लिए ईरान का क्यों महत्व है, और भारत बात पर पड़ने वाले प्रभाव भी हम लोग देखेंगे आखिर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि चीन के विस्तार की अगर हम लोग बात करें, तो चीन ने पाकिस्तान को अपना मतलब एक तरह से गुलाम बना लिया है। अब उसका मोड़ नेपाल की तरफ हो गया है, क्योंकि हमसे दूरियां बन रही है नेपाल की। उसके बाद आपने देखा है श्रीलंका पर भी उसने लगभग कब्जा ही कर रखा है, और बांग्लादेश में भी आप देखिए चीन काफी सक्रिय है। उसके बाद आप ईरान में भी इसकी चहलगामी देख सकते हैं। लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को लेकर कई देशों की आलोचना झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग अलग पड़ रहे चीन ने अब मध्य पूर्व में ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया है। चीन का यह मानना है कि दोनों देशों के बीच काफी समानताएं और उनके हित एक भी एक दूसरे से पूरक हैं। ये आपका चीन, देखिए ये चीन हो गया, ठीक है, ये है ईरान, क्या है, ये है आपका ईरान। ठीक है, विदित है कि चीन और ईरान के ईरान दोनों का संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराव चल रहा है। जहां चीन ऊर्जा का बड़ा बाजार हो, वहीं आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न भी, तो वहीं दूसरी ओर ईरान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऊर्जा का बड़ा निर्यातक भी है। चीन और ईरान दोनों ही अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। ऐसे में दोनों देश संभावित 400 अरब डॉलर की रणनीति आर्थिक साझेदारी के जरिए अपने संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आप कितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए किसी देश पर, उसके लिए अगर कोई और देश सहयोगी बन जाता है तो उस पर कमी प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचिए कि ईरान पर अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ईरान से आपका चाइना व्यापार करता रहेगा, उसका काम चलता रहेगा, कितने दिन आप इस तरह के, देखिए प्रतिबंध तभी संभव हो पाता है जब सभी देश मिलकर उस पर प्रतिबंध लगाएं और पूरी तरह से व्यापार उसका ठप कर दें, समझ रहे हैं आप।
अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें तो ईरान और चीन के मध्य संबंध लगभग आपके 200 ईसा पूर्व यानी कि 220 बीसी के आसपास विकसित हुए, जब पार्थियन और ससानिद साम्राज्य वर्तमान ईरान और मध्य एशिया तथा चीन के हान, तांग, सांग, इवान और मिंग राजवंशों के बीच नागरिक संपर्क स्थापित हुआ था। प्रथम शताब्दी के कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासनकाल चीन व भारत के मध्य बौद्धिक सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान का केंद्र भी रहा है। इस दौरान कई ईरानी अनुवादक संस्कृत सूत्रों का भी का चीन भार चीनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे। फिर आपका 14वीं सदी में आपने चीन के अन्वेषक झेंग हे जो मिंग राजवंशीय नौसेना के जनरल थे और एक मुस्लिम परिवार से संबंधित थे, उनके बारे में यह कदवंती है कि वह फारसी वंश से संबंधित थे। उन्होंने अपनी समुदाय की समुद्री की यात्रा अभियानों में भारत और भारत की यात्राएं भी की। उनके पास यात्रा के अवशेष चीनी, तमिल, फारसी और शिलालेखों से भी में पाए गए हैं। यहाँ से हमें इनका वर्णन मिलता है। फिर वर्ष 1289 में मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने बीजिंग में एक मुस्लिम विद्यालय की स्थापना भी की थी, जहाँ फारसी कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया जाता था। आधुनिक कूटनीतिक संबंधों की अगर हम बात करें तो ईरान चीन के बीच आधुनिक राजनयिक संबंध लगभग 50 वर्ष पुराने हैं। अक्टूबर 1971 में फारसी साम्राज्य के 2500 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में चीन को भी आमंत्रित किया गया था ईरान ने। वर्ष 1979 में हुए ईरान की इस्लामिक क्रांति से पूर्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का शीर्ष नेता हुआ गोफेंग ने वर्ष 1978 में शाह रजा पहलवी के शासनकाल में के दौरान ईरान का दौरा किया। इसके बाद ईरान व चीन के संबंधों में एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना में कमी भी आई। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित नई सरकार को चीन ने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दी, जिससे दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों में विश्वास का संचार हुआ और निकटता भी स्थापित हुई। अगर हम लोग रणनीतिक साझेदारी के संभावित प्रावधानों की बात करें इन दोनों देशों के बीच, तो समझौते के अनुसार चीन और ईरान के तेल गैस उद्योग में लगभग 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा। कौन? चीन। चीन सरकार ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी लगभग 120 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। चीन की जो हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के लिए अवसंरचना विकसित करने में ईरान की सहायता करेगा। ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक नियमित रूप से बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा। बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और कई अन्य ईरानी परियोजना में चीन बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। ईरान में चीन द्वारा विकसित किए जाने वाली परियोजनाओं की सुरक्षा हेतु चीनी सेना 5,000 सैनिकों की तैनाती का भी प्रस्ताव है। इसमें दोनों देश आपसी सहयोग से साझा सैन्य अभ्यास और शोध व अनुसंधान का कार्य करेंगे। चीन और ईरान मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे वे एक दूसरे से गोपनीय जानकारियां भी साझा करेंगे। याद रखिए, चीन का हाल वही है जो एक समय आपके देश में साहूकारों का हुआ करता था। आपने देखा है कि किसानों को ये ब्याज देते रहे ऋण देते रहते थे। एक समय ऐसा आता था कि इतना ब्याज बढ़ जाता था उनके ऊपर कि वो उसका ब्याज चुकाने के लिए भी साहूकारों पर निर्भर हो जाते थे, और एक समय के बाद उनकी जमीन जो भी हुआ करती थी चली जाती थी। तो यही चीन करता है। चीन किसी भी देश को इतना ऋण दे देता है कि उसका ब्याज चुकाने के लिए भी चीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है उस देश को। और आप समझिए कि आपके पास अगर किसी का इतना ब्याज रेड हो जाता है तो आप एक तरह से उसके गुलाम बन जाते हैं। उसके विरोध में आप कोई फैसला भी नहीं ले सकते हैं। तो यही हाल है। पाकिस्तान को देख सकते हैं आप, चीन को देख सकते हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन के हाथों में पहुंच चुका है। अगर हम दोनों देशों के लिए लाभदायक स्थिति की बात करें तो चीन उस ईरान का सहयोगी बन रहा है जिसकी खिलाफत संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे शक्ति संपन्न देश कर रहे हैं। वैदेशिक मामलों में विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस पर जिस तरह से अधिकतम दबाव बनाया था वो इस समझौते के कारण काफी कमजोर पड़ जाएगा। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान में विदेशी भी निवेश लगभग ठप पड़ा। ऐसे में इस आर्थिक रणनीतिक साझेदारी के कारण ईरान में विदेशी निवेश, तकनीकी और विकास को गति मिलेगी चीन के सहयोग करने से। इसके अलावा रक्षा मामलों में चीन की स्थिति काफी मजबूत है।
इसलिए चाहे रक्षा उत्पादों के माध्यम से हो या फिर सामरिक क्षमता के, चीन दोनों तरह से ईरान की सहायता कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश चीन को ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल और गैस प्राप्त होगा। चीन के लिए ईरान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी उसकी वन वर्ल्ड वन रोड परियोजना को सफल बनाने में सहायक भी साबित हो सकता है। ईरान के प्रति अमेरिका के अगर नकारात्मक रणनीति की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि समय सा समय हुई जब अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौते संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना से अपने को अलग कर दिया। किसमें? अमेरिका ने। इस समझौते में अमेरिका के सहयोगी देशों ने शुरू में तो राष्ट्रपति ट्रंप की धर्मिता बताते हुए अलग हटने से इनकार किया, लेकिन बाद में विभिन्न प्रतिबंधों के मद्देनजर अमेरिका नीति का अनुसरण करने में ही अपने भलाई समझी। ये समझौता आप याद रखिए ओबामा के समय हुआ था, ओबामा के शासनकाल में। ईरान यह मानता है कि अमेरिका लंबे समय से उसे परमाणु हथियार बनाने की आड़ में विवाद में फंसाकर उस पर हमला करने की तैयारी में है। ठीक ऐसा ही उसे इराक के साथ किया था, जब इराक पर जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाकर उस पर हमला किया गया, लेकिन बाद में इराक के पास जैविक हथियार कुछ जैसा कुछ नहीं मिला। और यही कारण है कि आपने देखा है उत्तर कोरिया बहुत सजग है इसके प्रति, क्योंकि अमेरिका की हरकतों से उत्तर कोरिया बहुत परिचित है। वो जानता है कि अगर पूरे अपने जो भी हथियार हैं, परमाणु हमला है या कोई भी और हथियार है, अगर उन्हें नष्ट कर देता है तो अमेरिका इराक जैसा ही हाल उसका कर सकता है। इसलिए देखते हैं दो बार मीटिंग होने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकला है। एक अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि इराक की तरह ही ईरान के तेल पर भी अजीब अमेरिका कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईरान के साथ रूस खड़ा है और चीन भी अमेरिका के खिलाफ ही। ऐसे में ईरान पर सैन्य आक्रमण करना आसान नहीं है। और आप सोचिए कि अमेरिका वो नहीं रहा है, वो महाशक्ति नहीं रहा है, अब अमेरिका बहुत कमजोर भी होता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से आप देखिए कि पूरी तरह से समस्या खत्म नहीं हुई है और आतंकवादी जो भी गुट है उनसे समझौता करके अमेरिका वहां से निकलना चाह रहा है। बस 2020 के प्रारंभ में अमेरिका ने ईरान की कुर्द फोर्स के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। इस घटना के बाद से ईरान व अमेरिका की मदद तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान को अमेरिका के विरुद्ध एक शक्तिशाली साझेदार की आवश्यकता होती है। भारत के लिए अगर ईरान के महत्व की बात करें, यानी कि भारत के लिए ईरान क्यों महत्वपूर्ण है, भारत और ईरान के बीच सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब आपका $2,000 करोड़ का है। कितना? $2,000 करोड़ का। ईरान जहां भारत की ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से को पूरा करता है, वहीं भारत द्वारा ईरान को दबाव, भारी मशीनरी, कलपुर्जे और अनाज का निर्यात करता है ईरान के लिए। सामरिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे के पुराने सहयोगी भी हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में दोनों देशों के साथ के साझा सामरिक हित भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा जाहिदाद और बंदर अब्बास शहर में भारत के वाणिज्य मिशन भी देखने को मिलेंगे। भारतीय कंपनियां ईरान से में कारोबार की बड़ी संभावना देखती हैं। ईरान में तेल रिफाइनरी, दवा, फर्टिलाइजर निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियां पैसा लगा रही हैं। ईरान के रास्ते भारत मध्य एशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अफगानिस्तान में आसानी से दाखिल ले सकता है। देखिए यहाँ ये आप देखते हैं, यहाँ से आप जानते हैं यूके वाले हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते, तजाकिस्तान भी नहीं जा सकते, कहीं भी आप सोचिए कि आप रूस भी पहुँच जाएँ कहीं नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग यहाँ आप ईरान में आप चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ से आप अफगानिस्तान भी पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सभी जगह पहुंच बढ़ा पाएंगे। ठीक है, भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का भी विकास किया गया है। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का आर्थिक महत्व है, जिसके द्वारा वह ग्वादर में होने वाली घटनाओं पर नजर रख सकता है। याद रखिए ग्वादर बंदरगाह वो है जो चीन पाकिस्तान में बना रहा है। अगर भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें हम लोग, तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और ईरान के बीच यह समझौता भारत के लिए
एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत और ईरान ने में चाबहार भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है। इस बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह का पिति उत्तर माना जा सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भारत के लिए मध्य एशिया के द्वार भी खोलता है। ऐसे में यहाँ पर चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश व सुरक्षा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इस साझेदारी की वजह से भारत के लिए स्थित अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब बनाम ईरान चीन जैसी हो सकती है। ऐसे में भारत के लिए दोनों गुटों के मध्य संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ। ईरान में चीन का निवेश बढ़ने से भारतीय कामगारों का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस पर पड़ सकता है, यानी कि वहां से आने वाले पैसे पर। चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुंच को भी बाधित कर सकता है। भविष्य में यदि भारत व चीन के मध्य युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं तो चीन फारस की खाड़ी बाह हॉर्मुज की खाड़ी से भारत में होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि चीन आपका चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर आगे की राय क्या हो सकती है इसमें, अगर ये बात करें तो सर्वप्रथम भारत को ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। भारत इसलिए रुका हुआ है, भारत सोच रहा है कि 2020 में लास्ट में आपको पता होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं, दूसरा आता है, तो दूसरा जो भी आएगा वो हो सकता है चीन के ईरान के प्रति कमजोर रवैया रखे, तो इस समय मतलब वो अपना काम कर सकेगा, क्योंकि पैसा लगाना एक बहुत बड़ी रकम है वहाँ चाबहार बंदरगाह में, तो इसे पूरी तरह से संचालित करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई तरह से ईरान प्रतिबंध भी झेल रहा है, जिससे ईरान समेत सभी खाड़ी देशों को यह संदेह जाएगा कि भारत अपनी परियोजना के प्रति गंभीर एवं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। याद रखिए, भारत जो भी परियोजनाएं चलाता है, यानी कि जिसमें भी अपना योगदान देता है, बहुत टाइम लगता है बनाने में। फिर चाहे आप बांग्लादेश में ले लीजिए, फिर चाहे आप लोग श्रीलंका में देख सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले निर्वाचन के उपरांत भारत को ईरान से कच्चे तेल की आयात को पुनः प्रारंभ करना चाहिए, ताकि दोनों देशों के मध्य एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी दूर हो सके। भारत को चीन के साथ अपने विवादों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। आपने देखा है, जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ईरान पर, तो उसने तेल लेने से मना कर दिया, यानी कि सभी देशों को मना कर दिया कि हाँ इससे व्यापार ना करें, तो उसमें आपने देखा है कि भारत में भी काफ़ी हद तक कम ही वहाँ से ऑयल, जो कच्चा तेल हुआ करता था, उस पर आयात कम कर दिया था उसने। तो ये कहानी है आपकी ईरान की और चीन और भारत के बीच की, ठीक है।